फिल्ट्रेशन के लिए डिफरेंट फिल्टर मीडिया यूज किए जाते हैं, जिसमें से हम फिल्टर पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस अदर फिल्टर मीडिया। उनमें से सबसे पहले है फिल्टर क्रूसिबल्स। फिल्टर क्रूसिबल्स की हमने दो सब टाइप्स पढ़ी, गोज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोज क्रूसिबल को। गोज क्रूसिबल जो है, यहाँ पे इसकी एक पिक्चर दिखाई गई है। ये एक कप की शक्ल का है, जिसका बॉटम जो है वो परफोरेटेड है। इसमें कुछ होल्स हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। गोज क्रूसिबल एक्चुअली पोर्सिलेन का बना हुआ होता है। पोर्सिलेन एक सिरामिक मटेरियल है, और जैसा कि क्रूसिबल का वर्ड है यहाँ पर, तो क्रूसिबल का वर्ड जो है इसका, इट इफ आई ट्रांसलेट दिस वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिस्ट्री, देन इट मींस के बहुत सी सारी मेटल्स जो कि हाई टेम्परेचर पर बर्न होती हैं, उनको उनकी बर्निंग और उनकी मेल्टिंग के लिए जो कि मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, या जो अपरेटस यूज करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रूसिबल का। तो गोज क्रूसिबल जो कि सिरामिक मटेरियल पोर्सिलेन से बना है, उससे कैसे फिल्ट्रेशन की जाती है, आइए देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको वो कप शेप फॉर्म दिखाई, उसका जो बॉटम है वो परफोरेटेड है। गोज क्रूसिबल को कैसे फिल्ट्रेशन की जाती है, उससे पहले जान लीजिए कि गोज क्रूसिबल को सर्टेन प्रेपरेशन रिक्वायर्ड होती है बिफोर स्टार्टिंग ऑन टू द प्रोसीजर। वो क्या प्रेपरेशन है? वो प्रेपरेशन ये है कि इसके बॉटम को वी नीड टू कवर दैट बॉटम विद आइदर द फिल्टर पेपर, और या फिर पेपर पल्प यूज की जाती है, जिससे हम वो परफोरेशन जो है उनको कवर कर देते हैं। फर्स्ट यू हैव टू मेक गोज क्रूसिबल, आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, उसके बॉटम को आप कवर कर दें, और आप देन अपनी फिल्ट्रेशन मीड जो असेंबली है उसमें उसको प्लेस करके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैरी आउट करा सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं गोज क्रूसिबल को यूज करने के, अगर हम कंपैरिजन करें फिल्टर पेपर से जो हमने फिल्ट्रेशन की थी, क्योंकि गोज क्रूसिबल जो है इसमें रिलेटिवली इजी और फास्टर प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो असेंबली दिखा रहे हैं, हेयर द गोज क्रूसिबल इज प्लेस्ड, और नीचे आप देखें सक्शन फ्लास्क है। सक्शन फ्लास्क के साथ एक और फ्लास्क कनेक्टेड है, जिसको वैक्यूम मतलब जिसमें से एयर जो है वो निकाल दी गई है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लव टू टेल यू कि फिल्ट्रेशन जो है अगर प्रिंसिपल वाइज डिस्कस किया जाए तो दो तरह की होती है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन एंड वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, जैसे कि फिल्टर पेपर से जब फिल्ट्रेशन करते हैं, तो दिस इज द ग्रेविटी फोर्स जो कि वो सॉल्वेंट को नीचे बीकर में मूव करने पर मजबूर कर रही है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। सर्टेन टाइम्स हम चाहते हैं कि हमारे प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं कि एक सक्शन अप्लाई किया जाता है जो हमारा फिल्टर मीडिया है उसकी बॉटम पे, उसकी नीचे वाली साइड पे। सक्शन व्हाट डज सक्शन कैसे होगी? कोई भी वैक्यूम पंप यूज कर सकते हैं, कुछ भी एयर जो एयर है हमारे बीकर में या फ्लास्क में, उससे उस एयर को निकाल दिया जाता है वहां से, और जब एयर स्वीप आउट कर दी जाती है तो वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर एरिया, अब जो हमारा जो सैंपल है जहां जो पोर किया जा रहा है, इट हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर, ये बहुत ज्यादा प्रेशर फेस कर रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, और हमारा जो बीकर है जहां पर हमारा फिल्ट्रेट इकट्ठा होना है उसमें कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है और लो प्रेशर एरिया है, और एक प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाने की वजह से हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो बढ़ जाता है। लिहाजा जो यहाँ पर वैक्यूम की जरूरत है हमें पेश आई, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए थी। हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस रिलेटिवली फास्टर हो जाए। नेक्स्ट, अगर मजीद कुछ एडवांटेजेस, जैसा कि हमने इसकी बात की कि जो मटीरियल जिससे बना हुआ है दैट इज वेरी मच हीट रेजिस्टेंट, तो इस वजह से हमें फायदा है कि वो प्रेसिपिटेट या किसी भी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कुछ प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, लाइक मेटल प्रेसिपिटेट्स हैं या सिलिकेट्स हैं, एंड वी नीड टू और उस प्रोसेस में जो कि सेपरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं या कोई भी ग्रेविमेट्रिक प्रोसेस है, तो उसमें वी नीड टू इग्नाइट, हमें बर्न करना है उन प्रेसिपिटेट्स को एट हायर टेम्परेचर, और उस हॉट सोल्यूशन को देन हम चाहते हैं कि फिल्टर कर लिया जाए। तो उसके लिए ऐसे केस में जहां पर आपके प्रेसिपिटेट्स इग्नाइट किए जाने हैं हाई टेम्परेचर पर, तो फिल्ट्रेशन मीडिया जो प्रेफरेबल है दैट इज गोज क्रूसिबल, क्योंकि पेपर जो है पेपर इट्स लाइबल टू हीट टुवर्ड्स अ हीट हीट सेंसिटिविटी है, जबकि जो गोज क्रूसिबल है वो यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर जो गोज क्रूसिबल है उसका हमने देखा कि उसके बॉटम पे परफोरेशंस होती हैं, ये परफोरेशंस हैं यहाँ पर, और अगर इन परफोरेशंस का
अपर साइड एंड लोअर साइड एस्बेस्टॉस से कवर कर दी जाए. एस्बेस्टॉस से भी आप फेमिलियर हैं, ये भी हीट रेजिस्टेंट मटीरियल है जो कि डिफरेंट सिलिकेट्स वगैरह का बना हुआ होता है. अगर एस्बेस्टॉस से गुज क्रूसिबल की परफोरेशंस को कवर कर दिया जाए तो हमारे पास ये प्रोविजन है या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे केमिकल्स, सेंसिटिव केमिकल्स जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड जो पोटाशियम परमैंगनेट जो रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है कॉज करवा देते हैं, इन इन रिएक्शंस इस तरह के रिएक्टिव किस्म के जो सॉल्वेंट्स हैं अगर हमारे गिवन सैंपल में मौजूद हैं और उसकी फिल्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए प्रेफरेबल है कि हम गूज क्रूसिबल को किसी हीट रेजिस्टेंट या फिर ऐसे एस्बेस्टॉस इज नॉट ओनली हीट रेजिस्टेंट रादर इट इज रेजिस्टेंट टूवर्ड द केमिकल रिएक्शंस एज वेल. तो हम एस्बेस्टॉस से कवर कर देंगे और हम अपनी फिल्ट्रेशन को कैरी आउट करवा सकते हैं, जबकि ये प्रोविजन हमारे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है इफ वी आर यूजिंग फिल्टर पेपर एज अ फिल्टर मीडिया. नेक्स्ट इज द सिंटेड ग्लास क्रूसिबल. ये ग्लास क्रूसिबल जो फिल्टर क्रूसिबल्स की बात कर रहे हैं उसकी दूसरी सब टाइप है सिंटेड ग्लास क्रूसिबल. सिंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है इनमें ग्लास का बॉटम है उनका और वो परफोरेटेड है, उसमें बहुत सारी स्मॉल उसकी पियर्सिंग होती हैं जिनसे हमारा सैंपल पास करता है और फिल्ट्रेशन होती है. और इसका जो एडवांटेज है अगर दिस इज अगर डिफरेंस की बात करें तो देखें जो गूज क्रूसिबल था वो पोर्सिलेन का बना हुआ था और जो सिंटेड ग्लास क्रूसिबल है इट्स अ ग्लास मटीरियल. अब ये ग्लास मटीरियल जो है इसकी हमें बिल्कुल भी किसी तरीके की प्रेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है. इट्स नीड इसके जो परफोरेशंस हैं वी नीड नॉट टू कवर देम विद फिल्टर पेपर और पेपर पल्प. ये बिल्कुल जो मार्केट में जो इसकी अवेलेबल फॉर्म है उसको आप परचेस करें, फिल्टर मीडिया फिल्टर असेंबली में प्लेस करें और आप अच्छे से फिल्ट्रेशन को कैरी आउट करवा सकते हैं. और वो सब्सटेंसेस जो कि हीट रेजिस्टेंट हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट हैं रादर क्योंकि ये केमिकल ग्लास है तो एसिड बेसिस अगर किसी सैंपल में मौजूद हैं उनको भी इसमें से सिंटर ग्लास क्रूसिबल को यूज करते हुए फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में उसको अप्लाई किया जा सकता है, उनकी फिल्ट्रेशन कराई जा सकती है. दिस इज द प्रोविजन ऑफ द सिंटर ग्लास क्रूसिबल. और इस तरीके से हम क्रूसिबल्स को सम टाइम्स बेटर समझते हैं कि फिल्टर पेपर से, लेकिन हमारे लैब्स में जो प्रोसीजर्स कैरी आउट किए जाते हैं उसके लिए जो मोस्टली हम मीडिया यूज करते हैं दैट इज ऑफ फिल्टर पेपर, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं.